हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे अभी इस वक्त, उनके दिल में क्या चल रहा है जो वो आपसे कह तो देना चाहते हैं। हो सकता है कह भी दें, हो सकता है कि थोड़ा समय लें, बट उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या एनर्जी है ये हम रीड करते हैं एवरी मॉर्निंग। तो गाइज, यहाँ पर मैं कुछ मैसेजेस ओरेकल डेक से तो लूँगी ही, साथ ही साथ मैं अपने हैंड रिटन से भी कुछ मैसेजेस लूँगी। तो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। क्या और कोई मैसेज आना चाहता है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लिव इन द मोमेंट। अभी इस वक्त जैसा समय है उसके हिसाब से रहो, मस्त रहो, इन्जॉय करो हर मोमेंट को। ये कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज है। ओके, सो वी हैव पैशन, अट्रैक्शन, सोलमेट, फ्रीडम, सो मेनी कार्ड्स वी हैव डिवाइन टाइमिंग। वाओ, ठीक है। तो वन बाय वन मैं मैसेजेस बताऊंगी, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैसेज आपको लगे कि ये स्पेशली आपके पर्सन का होगा उसे ही लीजिएगा। जो मैसेज आपको लगे कि ये नहीं, ये मेरे पर्सन का नहीं हो सकता, मेरे पर्सन का इस तरह का एटीट्यूड नहीं है या इस तरह की एनर्जी नहीं है, तो उस मैसेज को ज़बरदस्ती मत लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैसेज निकल कर आया है, वी हैव पैशन। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन का ये मैसेज है कि आपके साथ इन्होंने जो भी टाइम स्पेंड किया है या आपके साथ इन्होंने जो भी क्लोज मोमेंट्स या अगर आप लोगों की कोई बबल फेज रही है तो उन मोमेंट्स को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, आप इनका पैशन है। इनको ऐसा लगता है और कुछ हो ना ना हो, बट इनकी लाइफ में आपका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, ये आपके बिना नहीं रह पाते हैं और नहीं रहना चाहते हैं। अट्रैक्शन के साथ पैशन आया है, तो डेफिनेटली अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अट्रैक्शन है तभी पैशनेट है। तो यहाँ पर आपकी तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा हैंडसम या पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। आपका जो निखार है वो काफ़ी ज़्यादा इनको अट्रैक्ट कर रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी खूबसूरती डे बाय डे बढ़ती जा रही है। स्पेशली देखिए, जब भी आप सेल्फ लव में आते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, साधना करते हैं, इनर वर्क करते हैं, खुद पर काम करते हैं। इनर वर्क क्या है? खुद पर काम करना। तो जब आप खुद पर काम करते हैं तो अपने आप आपकी जो सेल्फ लव करने से आपकी जो निखार है वो बहुत ज़्यादा, आपके अंदर का जो इंटरनल ग्लो है वो इम्प्रूव होने लगता है। प्लस आपका नेचर बिहेवियर इम्प्रूव होने लगता है। तो जब आप इनको चेज़ करते रहे हो या जब आप इनके साथ रहे हो, तब ये उतना ज़्यादा अट्रैक्शन आपका, जैसे आपको लगता होगा कि कई बार कि यार अट्रैक्शन कहीं खो रहा है, लेकिन जब आप इनसे दूर गए हो और जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, इनको चेज़ करना छोड़कर आपने अपने ग्रोथ पर फोकस किया है, तब इनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग हुआ है तो इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा देन वी हैव सोलमेट एनर्जी। तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके साथ कुछ ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपको भूल नहीं पाती हैं या पाते हैं, या ये आपके बिना अधूरा फील करते हैं। इन्हें आपकी जो मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, जो ये आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, ये आपसे दूर भी जाने की कोशिश करें तो नहीं जा पाते हैं। ये गॉड कनेक्ट है हार्ट से, जो कि इन्हें आपकी तरफ खींचती रहती है। ये आपसे दूर रहकर भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, तो इस वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो है जो कि डिवाइन है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों का है कि आपके पर्सन फ्रीडम लवर हैं। इन्हें मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा रोका टोकी करी है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, उससे बात नहीं करना, इसको अनफ्रेंड कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, तो इनको ऐसा फील होता है कि आपने इनकी फ्रीडम छीन ली है।
तो मैं अलग अलग मैसेजेस बता रही हूँ, जिसको जो मैसेज लगेगा, अगर आपके पर्सन ने ये चीज़ें बताई हैं या आपके पर्सन की एनर्जी आप पिक कर पा रहे हैं कि हाँ ये मेरे पर्सन का हो सकता है, तो इस मैसेज को लीजिएगा। बिकॉज यहाँ पर ये एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन की कि इन्हें इनका स्पेस दे दो, हर चीज़ में एंट्री मत करो, हर चीज़ में इन्हें पोक मत करो, हर चीज़ में इनके डोमिनेटिंग नेचर आपका अगर है बहुत ज़्यादा, तो इन्हें ये चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हर काम ये आपसे पूछ कर नहीं करना चाहते, ये अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, तो इनको इनका स्पेस दे दो। इसके अलावा कुछ लोगों का झगड़ा भी इस कारण से होता है कि आपने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है, तो गुस्सा आकर आप भी ऐसे करोगे, ठीक है अब मैं भी जवाब नहीं दूंगी, मैं भी ये सब काम करूंगी, तुम्हें नहीं बताऊंगी, ठीक है। कई बार इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों में झगड़े भी होते हैं, शक होता है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आप दोनों में अगर कोई झगड़ा हुआ है तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं बट आप इनसे प्यार नहीं करते, या कुछ ना कुछ है जो कि वन साइडेड है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट है, दूसरी तरफ से एफर्ट नहीं है, इस बात को लेकर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। तो आपके पर्सन ये बताना चाहते हैं कि इनको इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, इनको इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, सफरिंग में है आपके पर्सन। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर कुछ डिवाइन सोल्स का है। अगर आप डिवाइन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम आप हैं, एनर्जी में हैं, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, तो अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को भी ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, और अगर इनसे पास्ट में कोई गलतियाँ हुई हैं तो ये आपसे एक सेकेंड चांस मांग सकते हैं, हो सकता है कि ये लौट कर वापस आएँ। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन हो सकता है कि लौट कर वापस आएँ और आपसे एक चांस मांगे, स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं तो हो सकता है कि आपका यूनियन हो, और ये जो यूनियन हो ये बहुत स्पेशल हो। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में यूनियन होगा, और काफ़ी लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। यहाँ पर आपके पर्सन को भी अंदर से एक एनर्जी फील हो रही है कि नहीं मुझे बात करनी है, नहीं मुझे उसकी तरफ जाना है, तो उनको एक पुश मिल रहा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि क्या आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ गया है, इनका ये मैसेज है। अब किसके लिए है गॉड नोज। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे हो, बहुत पॉजिटिव स्टेटस डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा शायराना रोमांटिक सा स्टेटस डाल रहे हो, तो आपके पर्सन को शक हो रहा है कि कहीं आपके लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया, कहीं आप इन्हें छोड़कर मूव ऑन तो नहीं कर लिए। तो ये भी कुछ लोगों के पर्सन का। तो अगर वो आपको कॉल मैसेज करें और आपकी खोजबीन करें, आपसे डिटेल्स लेने की कोशिश करें, लाइफ में क्या चल रहा है, ये कौन है, वो कौन है, तो फिर हो सकता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आंसर्स अराइविंग। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सन से बहुत सारे सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको कोई भी सवाल के जवाब नहीं दे रहे थे बहुत टाइम पीरियड से, हो सकता है टाल मटोल कर रहे थे या ऑफलाइन हो जा रहे थे, क्लियर आंसर आपको नहीं मिल रहा था आपके सवालों का। तो आने वाले समय में आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। लेट्स चेक, विल टेक 3 मैसेजेस ओनली, देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। पहला मैसेज है, व्हेन टू सोल्स आर मेंट टू कनेक्ट द लोकेशन टाइमिंग एंड सर्कमस्टांसेस आर ऑल इररिलेवेंट। अगर आपको मिलना ही है, अगर आपकी डेस्टिनी में है मिलना, तो आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो जाना है, वो सब मैटर ही नहीं करता फिर। योर आइज़ आर लाइक ट्विन स्टार्स बर्निंग विद द लाइट दैट वार्म्स माई सोल। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपकी आँखों के दीवाने हों। देयर समथिंग मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ एंड दैट समथिंग इज़ यू। तो इनकी लाइफ से वो समथिंग आप हैं जो इनकी लाइफ से मिसिंग था। And bottom of the deck we have, I don't want to lose you, please don't forget me। आप इन्हें भूल ना जाएं, ये आपको खोना नहीं चाहते, चाहे सिचुएशन जो भी हो आप दोनों के बीच में। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।